अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल दुबई लाइफ बाय खेरा अहमद। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 20 रोज़े हो चुके हैं और बस अभी जो है मैं इफ्तारी का टाइम था और मैं इफ्तारी बना रही थी। तो ये कि पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग कॉन्टीन्यूस समोसे पकौड़े ही खा रहे थे, तो फिर ये है कि आज मैं थोड़ा सा चेंज कर रही थी। तो ये है कि मेरा प्लान था कि आज मैं बनाऊँ रोल पराठा बनाऊँ, तो इसलिए ये है कि मैंने इसके लिए पहले प्याज जो है लेके काटा, उसके बाद शिमला मिर्च मैंने ली थी एक मीडियम साइज़ की, वो कट की, और साथ ही मैंने डेढ़ टमाटर लिया था और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली थी। तो ये कि ये सारे जो है सब्ज़ियाँ जो उसमें जाएंगी रोल पराठा में। इसके अलावा जो मैंने चिकन है उसको बॉयल करके जो है छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था, और उसके बाद जो पैन है उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल के ज़रा सा उसको चिकन को मैंने थोड़ा सा भून लिया था। और ये है कि करते करते मैंने इसमें आधा चम्मच जो है पेपरिका पाउडर डाला था और आधी चम्मच जो है मैंने नमक का डाला था और आधी चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली थी। सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद जो है हम लोगों ने उसकी जो सॉस है वो बनानी थी, इसलिए मैंने गार्लिक मायो लिया था तकरीबन 4 चम्मच, और उसके बाद जो है इसमें मैंने डाला था ये केचप डाला था, और केचप जो है तकरीबन मैंने इसके भी 3 से 4 चम्मच लिए थे, और इसमें मैंने आधी चम्मच जो है रेड चिली फ्लेक्स के ऐड किए थे, और इसमें आधी चम्मच जो है मैंने रेड चिली फ्लेक्स के डाले थे, और इसके बाद जो है ये इसमें चिली सॉस भी डाल दी है, इसलिए तकरीबन मैंने इसमें जो है 1.5 चम्मच जो है चिली सॉस ऐड किया इसमें डाला था जी। और उसके बाद जो है मैंने रैप को बनाने के लिए जो है मेरे घर की ही मैंने जो है वीट की ही रोटी बनाई थी, और ये है कि बस रोटी मैंने उसको रैप करने के लिए बनाई थी, और रोटी बेलने के बाद जो है मैंने उसको तवे पे डाल दिया था और वो फाइनल रेडी हो गई थी। और उसके बाद ये है कि रैप बनाने के लिए जो है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चिकन जो है दरमियान में करके डाला था, और उसके बाद जो है सारी वेजिटेबल्स की टर्न आ गई थी, तो जितनी वेजिटेबल्स थी सारी जो है मैंने सेट की। पहले शिमला मिर्च डाली, और उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च अच्छे तरीके से डाली, उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाले, और फिर प्याज और गोभी जो है वो भी मैंने इसमें डाल दी थी अच्छे से, और उसके बाद जो है मैंने सारी जो सॉस थी वो अच्छे तरीके से चिकन और मैंने अच्छे से जो है इसको रैप डाल दिया था। तो पहले इसके जो एंड्स हैं उनको फोल्ड करना, उसके बाद जो है दूसरे एंड्स को फोल्ड करना। तो ये कि ये अच्छे से रैप हो गया था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, कि दिल चाहता इसको फ़ौरन जो है ना खा लें, और ये है कि लेकिन ये था बहुत टेस्टी। और ये देखिए मैंने इसके 2 पीस किए हैं, और अब इसको आप दरमियान में से देखें, इसकी फिलिंग देखें कितनी अच्छी लग रही है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फिलिंग, आप चेक करें ये देखें। और फाइनली जो है हमारी सारी इफ्तारी रेडी हो गई थी, इसलिए जो है मैंने पे सर्व कर दी थी, और सॉस रख ली थी कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग और लगा लें। साथ मैंगो जूस था, खजूरें थी, चाट थी कल की बची हुई, और साथ ही जो मैंने चिकन रोल पराठा जो बनाया था वो भी आप देख सकते हैं बहुत जमी था, और साथ ये कि साथ हमने कोक भी रखी हुई थी। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, और वेट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है आगे और देखने को मिलेंगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।